बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ साथ वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में मैं हूँ आमना वकास और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाही की रेसिपी, जिसमें हम यूज़ करेंगे मसाले का और ज़बरदस्त सी कढ़ाही बनाएंगे कुछ मेरे अंदाज में। तो चलिए फिर हम करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से आपने करना है लाइक, चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब। इधर जो है रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 2 किलो गोश्त, ठीक है, बीफ ले लिया है। इधर इसके अंदर 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको रफली स्लाइस में कट कर दिया है मैंने, वो ऐड कर लिए हैं। गोश्त को क्या किया है, बहुत ही अच्छे से आपने ना वॉश कर लेना है, मैंने भी वॉश कर लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे इसके अंदर 3 खाने के चम्मच। बोतल में जो है ख़त्म हो चुका था, तो लास्ट में मैंने क्या किया, बोतल में थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से हिलाया इस तरह से, और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम नमक, नमक का इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हसबे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालना है, और फिर इसको ना इस तरह से आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। मैं जो है पहले इसको प्रेशर कुकर में 90% गला लूँगी और फिर उसके बाद इसको पतीले में शिफ्ट करके तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। कुकर में करेंगे तो जल्दी से जो है ना हमारा गोश्त गल जाएगा, टाइम जो है हमारा कम लगेगा। अगर आप चूल्हे पर रख कर गलाना चाहते हैं तो इसको गला सकते हैं। अब क्या करना है, टमाटर ले लेने हैं। 2 किलो गोश्त के अंदर 1.5 पाव में टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपने क्या करना है, अपने टमाटरों को इसके अंदर रख लेना है। ये देखें कट कर रख लिए हैं। इससे ये होगा कि जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो छिलके जो हैं हम आसानी से उतार लेंगे। तो चलें फिर छिलके उतारने के बाद गोश्त को गलाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इधर देखें गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। हल्का हल्का सा अभी इसके अंदर पानी है। टमाटरों को मैंने छिलके उतार लिए थे ऊपर से, पतीले में जो है मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना हसबे ज़रूरत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो है 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। तो ये देखें इसके अंदर कर लेंगे कुकिंग ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी कढ़ाई बनकर तैयार होगी, बीफ कढ़ाई ज़बरदस्त सी बनेगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो कर बनाएंगे तो। मज़े मज़े की कढ़ाई घर पर बनकर होगी तैयार, दावत में बना सकते हैं, खुद बनाकर खा सकते हैं मज़े की कढ़ाई। तो इसको क्या करते हैं ना, अच्छे से हम भून लेते हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो हमारा ड्राई हो जाए। ये जो हमें प्याज अलग अलग सा नज़र आ रहा है, इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि ये हमें नज़र नहीं आए। आप क्या करेंगे, देखें भून चुका है। इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ शान कढ़ाही मसाले का। ये देखें मेरे पास पैक है, डिब्बा है ये मेरे पास, जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। 2 किलो गोश्त है तो 1 अदद ये डिब्बा इसके अंदर काफ़ी है, और थोड़े से जो है ना मैं बाद में इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो शान कढ़ाही का मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का है। आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा इस कढ़ाही की रेसिपी में, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। तो ये देखें इसको क्या करना है ना, इस तरह से कर लेना है मिक्स, अच्छे से ना इसको मिक्स करते जाएंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा ना इसको भून लेंगे ऐड करने के बाद। बहुत अच्छे से साइडों से चम्मच चलाएंगे, और ये मसाला जो लग चुका है थोड़ा सा इसको भी उतार लेंगे। अब देखें फ्लेम जो है मैंने नीचे बहुत ज़्यादा लो कर दी है, और इसके अंदर डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक, और उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना कीजिएगा। मैं जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें 1/2 टेबल स्पून मैंने ना काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लिया है, और उसके बाद ये 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई जो है सूख मिर्चें शामिल कर ली हैं। तो ये शामिल करने के बाद क्या करेंगे, इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। इस तरह से ना आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फ्लेम इसलिए लो की हुई है क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है दही। और अगर हम तेज़ आंच के ऊपर दही को ऐड करेंगे तो दही जो है हमारा अलग हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो इसलिए फ्लेम को लो करके आपने इसके अंदर शामिल करना है दही को, और दही को शामिल करने के बाद
इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आपने चम्मच को चलाना है इस तरह से। ये देखें, आपने बहुत अच्छे से दही को मिक्स करना है। फ्लेम लो रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो जो दही है उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और जो आपका मसाला है ख़राब हो जाएगा। बीफ कढ़ाही जो है अलग अलग ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखें 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद हमारी जो है ये रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। वो भी शान की रेसिपी है ये, मैंने अपने तरीके से बनाई है। लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, कटी हुई धनिया ऐड कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। और इसको करते हैं हम मिक्स और लास्ट में इसको करेंगे जब हम सर्व, तो इसके साथ कुछ नींबू वगैरह पेश कर लेंगे ताकि अच्छी सी जो है ना कढ़ाई में खुशबू आए, जायका आए। तो ये देखें इस तरह से आपको मिक्स करना है इसको। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को करिएगा ट्राई। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।